तो हमारा मतलब ऐसा भी मौत आ गया कि हम सोच रहे हैं कि बच्चों को लेकर के आत्महत्या ही कर लें। मेरे बच्चों तो यही कहना है कि पापा आप कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, रखती इतना लेट क्यों हो रहा है करके पूछ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमएस स्कूल के कुछ टीचर्स जो काफी वक्त से स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और स्कूल मैनेजमेंट से कुछ सवाल कर रहे हैं। आइए हम उनसे सीधे जानते हैं असल मुद्दा क्या है, किस लिए पढ़ाने के बाद स्कूल में जो स्कूलिंग आवर्स है वो कंप्लीट करने के बाद कुछ वक्त का धरना वो रेगुलर दे रहे हैं, इसके बारे में सीधे उन्हीं से जानते हैं। सर, ये हम लोग का सेकंड धरना है। पहला धरना हम लोग हुआ था सितंबर 14 इसी मामलों को लेके कि हम लोग सैलरी नहीं दिया गया था, तो उसमें दो दिन हम लोग बैठे थे। उसमें दो दिन बैठने के बाद हमें नतीजा ये निकला कि हम लोग को मार्च से पेमेंट नहीं मिल रहा था, तो मार्च का पेमेंट जो पहले से रिलीज था वो उस दिन मिल गया था। फिर हम लोग प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट के हिसाब में हम लोग प्रेसिडेंट पे इज्जत करते हुए हम लोग वो धरना को थोड़ा दिन के लिए स्थगित किया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ये वादा किया था कि उन लोगों को जो है 15 दिन में नेक्स्ट पेमेंट रिलीज करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उस पर से कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए हम आगे जो है नेक्स्ट पार्ट का जो पेमेंट है उसके लिए कर रहे हैं। तो अभी सुनने में आ रहा है कि अप्रैल का मंथ जो है पेमेंट फिर रिलीज हो रहा है, लेकिन आगे का हम लोग कोई अश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मतलब हम लोग अभी ये नहीं मालूम कि आगे पेमेंट होगा कि नहीं, हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा है। सर, जनता जरूर ये बात जानना चाहेगी कि क्या हर बार सैलरी का यही मुद्दा होता रहता है, हर साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ऐसे में प्रॉब्लम आप फेस करते कि पहला साल ऐसा हुआ है? ऐसे कितना प्रॉब्लम तो फेस नहीं करते हैं, कभी कभार होता है, लेकिन ये बार तो कुछ ज्यादा ही चल दिया प्रॉब्लम कि एडमिनिस्ट्रेशन जो फंड आस्ते में फंड वहीं से रिलीज होना चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे से फंड रिलीज नहीं हो रहा है, वो कारण क्या है हमें नहीं। ये काफी वक्त हो चुका है सर, 6-7 महीना, इट्स अ बिग टाइम। इतना वक्त होने के बाद अभी आपने क्यों सोचा कि प्रोटेस्ट करें या तो धरना करें, या तो सैलरी कहाँ पे रुक रहा है, कोई अपडेट आपके पास कुछ भी आई है, स्कूल मैनेजमेंट से बात हुआ, कुछ भी आपको मिल पाया अभी तक का? सबसे वर्बल अश्योरेंस खाली मिला है कि पेमेंट अभी होगा, पेमेंट अभी होगा, लेकिन अभी तक कुछ अश्योरेंस ऐसे कुछ आए नहीं है, कॉन्क्रीट कुछ एविडेंस कहीं से नहीं आया, इसलिए हमें ये मजबूरन ये करना पड़ा। सर, स्कूल आवर्स के बाद ये धरना करना कितना असर करेगा स्कूलिंग में बच्चों को पढ़ाना? मेंटली टीचर फिट नहीं है, वो बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा पाएंगे या कितना अच्छा उनको सीख दे पाएंगे? ये तो आपको मालूम होगा, अभी देखिए कितना टीचर्स का हालत कैसा खराब है, फिर भी हम लोग बैठे हैं, ढाई बजे सुबह 8:30 से 7:30 को जो है 7:30 को आए हैं, तब भी आके बैठे हैं, फिर भी सोच के देखिए टीचर्स का हाल कैसा होगा। इससे आगे पेशेंस नहीं है, जब बोलते हैं ना टीचर्स जो है मैक्सिमम ये सब काम में करते नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई रोक के हमें ये करना पड़ता है, मजबूरी करवा रहे हैं हम लोग। सर, आपके स्कूल का प्रिंसिपल या तो मैनेजमेंट की तरफ से आपको क्या एश्योरेंस मिला है? और इन लोग तरफ से तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन लोग अपना कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से गलती कर रहा है ये हम लोग नहीं मालूम। धरना को लेकर उन्होंने कुछ कहा है, धरना करना है या नहीं करना है? नहीं, उनका कुछ अभिप्राय नहीं, वो तो हम उनसे पूछने से मालूम होगा। अच्छा, आपकी सीधी सीधी रिमांड किससे है अभी? हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से सीधी सीधी। क्या है सर आपकी? हमारा पूरा पेमेंट रेगुलराइज करें और आइंदा इस तरह जो है ये तकलीफ ना हो, तो ये चीज को लोग ध्यान रखें बस इतनी। ये कुछ ऐसी वजह तो नहीं 90% गवर्नमेंट या तो 5% जो है समी गवर्नमेंट होने की वजह से कुछ इश्यूज है, ऐसा कुछ आ रहा है आपकी? सर, ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच है, ये तो फिर हम लोग मालूम नहीं उसका बारे में, हम लोग उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं बता सकते, तो यही तो मालूम नहीं है कि हम लोग क्या प्रॉब्लम क्या है, तो ये शायद उनका बीच का होगा, ये तो हम लोग उसके बारे में डिटेल नहीं बता सकते ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगा रीजन क्या है हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग इतना मालूम है कि अप्रैल महीने से हम लोग को तनख्वाह नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। सर, सिचुएशन तो बड़ा टफ है सर, लेकिन फिर भी हम अपने आम पब्लिक को ये जरूर दिखाना चाहेंगे, 7 महीने से बिना सैलरी के फिर भी बच्चों को पढ़ाना, फाइनेंशियली मेंटली और फिजिकली किस तरह का परेशानी आपने फेस किया है? सर, यहाँ बहुत टीचर्स ऐसे हैं जिसका जो तबीयत खराब है, किन्हीं का फादर का ट्रीटमेंट है, आम जो पब्लिक है जैसे EMI किसी को बांधना रहता है, किसी को कॉलेज का फीस बांधना रहता है, तो बहुत तकलीफें हैं, तो बैंक का लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ ही रहा है, तो इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं यहाँ, कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। या तो अगर पेमेंट रोका तो उनको कुछ करना चाहिए था कि कम से कम कुछ रीजन दिखाना था कि पेमेंट क्या करने के लिए रोका गया है और उसका क्या सोल्यूशन निकाला सकता, वो भी नहीं निकाल रहे हैं लोग, लेकिन सिर्फ क्या वजह से रुका हुआ ये किसी को नहीं मालूम। अब 1-2 महीना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो 7 महीना हो गया। रोजमर्रा के खर्चे कैसे चल रहे हैं? बहुत मुश्किल है सर, आपको तो मालूम होगा, अगर 1 महीना पेमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे निकलेगा, तो बताने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है। शायद बहुत जन जो बोरो करके भी जीते हैं, लेंडर्स जो है उनका जो इंटरेस्ट होगा तो वो भी जवाब देना पड़ेगा, तो कोई समझते नहीं ना उसके बारे में। आगे की रणनीति क्या है सर, स्कूल आवर्स के बाद ये धरना करना है, कुछ वक्त तक करना है, या तो फिर इसी में घुटने टेक देने हैं, छोड़ देने हैं, कुछ सोचा होगा आप लोगों ने? जी सर, ये देखते हैं कैसा जा रहा है करके, तो उसके सामने हम लोग कोई ना कोई तो एक्शन होगा एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग सोच रहे हैं, तो उसके बाद उसका आगे हम लोग बताएंगे क्या करना करके। टीचर्स ने सोचा स्कूलिंग आवर्स को बॉयकॉट करना है? अभी तक तो कोई राय ऐसा बना नहीं है, बॉयकॉट तो नहीं करेंगे हम लोग काम है पढ़ाई करना, फिर उसके बाद भी अगर हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसके ऊपर सोच सकते हैं। सेवा भाव से आप शिक्षक होकर जरूर बच्चों को पढ़ाएंगे, बस ये जो आपकी लड़ाई है उसको जारी रखेंगे, अलग तरीका अपनाएंगे लेकिन आगे। बिल्कुल बिल्कुल, शांतिपूर्वक हम लोग अपना काम करते हुए ये करते रहेंगे। ये कुछ फीमेल टीचर्स से हम जानना चाहेंगे जो सामने आके बता सके कि किस तरह की प्रॉब्लम या तो परेशानियां उनको फेस करनी पड़ी हैं,
ये जितना भी वक्त हुआ उस वक्त में? सर जो है हम टीचर्स हैं यहाँ पे, जिसको सैलरी नहीं मिल रही है, तो सभी का बैंक लोन है। अब जो ये मार्च के पेमेंट रिलीज किए हैं बोल रहे हैं, तो एक महीने का पेमेंट आए वो पूरे के पूरे बैंक ले गए, और उसके बाद अब बोल रहे हैं कि अप्रैल का सैलरी हो रहा है वो भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस दिखा रहा है हमारा जो अमाउंट है वो भी चला जाएगा बैंक को। तो अब बताइए, अगर उन लोग इस तरह महीने महीने करके अगर देते हैं तो पूरा जो 7 महीने का पेमेंट पूरा बैंक लेके जाएगा, हमारा क्या होगा सर? मैडम, आपको ये शिकायत अपने स्कूल मैनेजमेंट को लेके है, प्रिंसिपल को लेके है, या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है? हमें तो ये अंदर की बात नहीं पता है कि किसका फॉल्ट है सर, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए हमारा कम से कम थोड़ा सा ध्यान दे। हम टीचर्स होकर के बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, हमारी तरफ से कोई तरह का कमी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में आप कोई नहीं सोच रहा है। मैनेजमेंट के साथ कोई मीटिंग हुई है? मैं मैनेजमेंट ने टीचर्स को या तो कुछ कन्वे किया है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, स्टेटस क्या है, क्या होने वाले सैलरी को लेकर? हमारे मैनेजमेंट को खुद ही नहीं पता है कि क्या काम क्या चल रहा है सर। हमारे सामने आते हैं वो लोग, बोलते हैं कि स्ट्राइक ना करो, काम जो है अब अगले उसमें हफ्ते हफ्ते में हो जाएगा पेमेंट, तो हम तो देख ही रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। क्या वजह है मैम, 6 महीने के सबर के बाद तो सबर का बांध टूट गया? बिल्कुल सर टूट गया है। अब तो हमारा मतलब ऐसा भी मौत आ गया कि हम सोच रहे हैं कि बच्चों को लेकर के आत्महत्या ही कर लें। बड़ी बात है मैम, बड़ी बात है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि टीचर्स के दर्द को जरूर जाने और समझे कि किस सिचुएशन में आकर, बारिश है या तो धूप है, जो भी तरह का मौसम है, स्कूलिंग आवर्स के बाद टीचर्स आके धरने में बैठे हुए हैं और सिर्फ मांग रहे हैं उतना ही जो उनका हक है। सर, हम चाहते हैं कि हमारा पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, जो भी तकलीफ है टीचर्स को सब दूर हो जाए, यही चाहते हैं। जनरली सारे टीचर्स का यही मुद्दा है कि सैलरी उनकी जल्द से जल्द मिल जाए। अगर हम आपको दिखा सके तो ये एम ए स्कूल है हमारे यहाँ का, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी स्कूल, एम ए स्कूल, और इसी के टीचर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे के सारे बाकायदा धरना में बैठे हुए हैं और काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं। बड़े दुख के साथ इस टीचर्स के दर्द को हम लोग बांट रहे हैं आपके साथ में। मैम, कई टीचर्स ने अपनी भावनाओं को कैमरे के सामने रखा है, आप भी आप जनता के साथ कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, ये 7 मंथ हमारा रनिंग चल रहा है ऑलमोस्ट, और 2 दिन खत्म और 10 डेज पार हो जाएगा, तो ये महीना भी कंप्लीट हो जाएगा और हम 8 मंथ में एंटर कर देंगे। और हर बार हमें तो यही आश्वासन दिया जाएगा जा रहा है कि बस हमारा पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। और हर तरह से यानी कि ना बच्चों का फीस बांध पा रहे हैं, और हमारा जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर EMI, उसके ऊपर इंटरेस्ट, और उसको कवर अप करने के लिए हमारा जितना भी हमारा जो सेविंग्स था उसको हमें तोड़ना पड़ रहा है, और इवन वो सेविंग्स भी खत्म हो चुका है। उसके अलावा हमारा जितना गोल्ड था वो भी अब ये बैंक में पड़ा हुआ है, और हम कितना करें, हमारा यही मांगना है। यानी कि कितने सारे हैं यहाँ पे जिनके पेरेंट्स बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चे हैं जो जिनका फीस नहीं पा पा रहे, जो मेले में पढ़ रहे हैं, तो उन सबका प्रॉब्लम है। तो इन सबका प्रॉब्लम, और ये हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 1 महीने का सैलरी रिलीज कर दिया फिर बोल रहे हैं कि हो जाएगा, फिर अगले महीने क्या हम दोबारा इसी तरह हर महीने बैठे रहेंगे धरने पे ताकि हर महीने में सैलरी रिलीज होते? हमें इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, ताकि हर महीने 30 तारीख को बराबर हमारा पेमेंट मिल जाए और हमारा जो दिनचर्या नॉर्मल चलता रहे। मैम, क्यों ना ऐसा हो जाए कि कोई डेलीगेशन यहाँ से जाके एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करे टीचर्स की क्या परेशानी है। जैसा आपने कहा कि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, तो क्यों ना एक डेलीगेशन तैयार करके रिप्रेजेंट किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? वो भी किया है सर, हमने कोशिश किया है सर सब तरफ से, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या रिस्पॉन्स था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? वो भी यही कह रहे हैं कि हो जाएगा, बस आपका काम हो रहा है, बहुत जल्दी आपका पेमेंट हो जाएगा, बस हम अभी तक इंतजार में ही है, लेकिन अभी तक हमारा कोई पेमेंट हुआ नहीं है, बस हम इंतजार ही कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये धरना कब तक, कितने दिन और चलाएंगे धरना? हमारे वो शिक्षक जो बेसिकली पढ़ाने की नियत से आते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा के वापस जाते हैं, और आज नौबत यहाँ आ गई कि तख्तियाँ लिए हुए सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि उनकी सैलरी उन्हीं को वापस दी जाए। जी बोलिए, जैसे इसमें लिखा है कि आई विश माय एक्सपेंसेस आल्सो कम एज माय सैलरीज आल्सो कम, तो मेरा खर्चा भी उसी तरह शांत हो जाएगी जैसे मेरी सैलरी शांत है। अब कब तक हम अपना खर्चे को शांत कर पाएंगे सर? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमें बहुत तकलीफ हो रही है। ये चीज़ हम जाके हम अपना मैनेजमेंट को बताया, यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन तक भी अपना बात पहुँचा है, कहीं से हमें कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आया। अटलास हम लोग ये पोजिशन, ये जो स्टेप हमें उठाना पड़ा, वो भी देखिए हम आफ्टर स्कूल आवर्स कर रहे हैं। तो मतलब मेरा जो ड्यूटीज है, हमको जिसके लिए अपॉइंट किया है ड्यूटी, वो मैं करके यहाँ कर रहा हूँ, तब भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी तक हम लोग को कोई एश्योरेंस नहीं मिला, जस्ट वर्बल एश्योरेंस। तो लास्ट में हमने भी हम लोग इसी तरह वर्बल एश्योरेंस मिला,
और बोली कि हर हफ्ते में आपको सैलरी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद तो ना जो एक्सटेंस देने वाला ना आया, ना हम लोग का जो जो प्रिंसिपल या जो भी है हमारा जो वो भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। एट लास्ट फिर हमारा ये सेकंड जो धरना, फिर हम लोग उसको प्रोसीड कर रहे हैं। सर, टीचर होने के नाते सारे बच्चे हमारे अपने होते हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगा आपके अपने सगे बच्चे या तो स्कूल के बच्चे, उनके इस धरने के बाद उनका क्या असर पड़ा है, उनका रिएक्शन क्या है चीज़ों के ऊपर? ये तो स्कूल बच्चे ही बताना है सर। मेरे बच्चों तो यही कहना है कि पापा आप कब आएंगे, कितना बजे आएंगे, इतना लेट क्यों रह करके पूछ रहे हैं। प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इन चीज़ों को देखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। स्कूल मैनेजमेंट से हम जरूर ये कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इसमें जो भी डिले या डिनाई हो रहा है उस पर स्टेप जरूर ले, क्योंकि मुद्दा सिर्फ इतना नहीं कि सैलरी नहीं मिल रही है, मुद्दा ये है कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही और वो है नेशन बिल्डर। उनको अगर सैलरी नहीं मिल रही है और वो सड़कों पर हैं, इससे बड़ी दुर्दशा इस सभ्य समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकती।